नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। सब कैसे हैं? आज एक VST का बारे में कुछ बात करेंगे। बहुत ही यूनिक VST है और बहुत पुराना भी। 32-bit VST है ये। अगर आप ये VST 64-bit में चलाना चाहते हैं तो आपको JBridge सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक चीज़ बोलूँगा कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये नया प्रोजेक्ट है और ये जो गाना है शानुदा का गाना है, बहुत पुराना पॉपुलर गाना है। तो उस गाने को क्या किया मैंने, जो उसका कैराओके ट्रैक है वो मैंने डाउनलोड कर लिया और उसी के थ्रू रेफरेंस लेके मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो एक बार सुनते हैं। इसको बंद कर दिया मैंने, डीएक्टिवेट ही कर देता हूँ, कब वापस चल जाए। डिजेबल ट्रैक कर देता हूँ, आप सुनिए। मतलब ये इन प्रोग्रेस है, बहुत जगह में कुछ बनाया नहीं है, अब सोच सोच के बनाना पड़ेगा। और कुछ इंस्ट्रूमेंट भी नया यूज़ करेंगे और थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने की कोशिश करेंगे। इधर और आपका डायरेक्ट जैसे कि ओरिजिनल बनाया हुआ है वैसे टाइप का भी बना सकते हैं, इस आपका ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हम VST पे जाएंगे। बेसिकली डामी वोकल है इसका, मैं सिर्फ बनाने के लिए ये रिकॉर्ड किया था, तो बाकी इसको फेंक देंगे, नया से रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए, जिसका बाद हम कर रहे थे कि इसमें देखिए, मैं कीबोर्डिस्ट तो हूँ नहीं, तो मैं थोड़ा बहुत सुन सुन के बजाने की कोशिश करता हूँ। बट चलिए पहले इसका इस VST को देखते हैं क्या है। इस VST का नाम है प्यूरिटी और इसका जो कमाल है, मतलब क्या बताएं, वन शॉट में ये चीज़ बस बता सकता हूँ। और ये जो VST है ना, इस VST अगर एक ही VST रहेगा, मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर आपको कोई भी ट्रैक बनाना है, आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो आप एक प्लगइन यूज़ करके पूरा चीज़ कर सकते हैं। कोई दूसरा प्लगइन का ज़रूरत नहीं है, मतलब दूसरा VST का ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो इस VST के सब कुछ हो जाता है, सिर्फ आपको सोचना है कि आप कैसे तरह से इसको प्रोसीड करेंगे। ओके, इसमें सारे बहुत कुछ चीज़ है, आपको ठीक तरह से ठीक जगह में सब सब एक एक करके लगाना है। चलिए तो देखिए, पहले एक काम करता हूँ मैं इसका, एक डुप्लीकेट ट्रैक बनाता हूँ। ओके, चलिए ये वाला डुप्लीकेट ट्रैक है। तो इस ट्रैक के ऊपर हम देखेंगे कि क्या क्या मैंने किया है। ठीक है, अच्छा, VST का फुल फॉर्म है वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी। मतलब ये जो मतलब बहुत सारे हम लोग VST का नाम सुने हैं, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग कीबोर्ड के मिडी कीबोर्ड से, और कोई ऐसा भी नॉर्मल कीबोर्ड जो है वो भी कीबोर्ड से हम लोग मिडी रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसका टोन यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका इंटरफेस। और इसमें पहला जो अगर हम प्रीसेट देखेंगे,
इस प्रीसेट्स में इतना सारे प्रीसेट्स है जिस प्रीसेट्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे कि हम देखते हैं, पहले इसको सोलो करते हैं, इसमें क्या कैसे कि यूज़ करेंगे, हम बाद में आएंगे वो चीज़। देखिए जैसे पहले एक रान था, ओके, मतलब इस गाने का शुरू में एक रान था, जो रान मैंने लिया है। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं कैसे रान लिया जाते हैं, वो अलग टॉपिक है, बट फिर भी मैं कोशिश किया इसको बजाने के लिए। ओके चलिए सुनते, ठीक है। अब देखिए, अच्छा इसमें ना, इसके अंदर में जाने के पहले मैं और एक चीज आपको बताऊंगा, बहुत क्रूशियल है, जो बिगिनर्स है, इनफैक्ट जिसको कीबोर्ड सही तरह से फिंगरिंग आता नहीं है, जैसे मेरे को भी इतना बहुत अच्छा आता नहीं है, बट उन लोगों के लिए मैं एक चीज इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए हर एक कोई भी मेजर का, कोई मेजर कॉर्ड्स का एक रिलेटिव माइनर कॉर्ड्स होता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम सी मेजर है, तो सी मेजर का रिलेटिव माइनर क्या होगा, ए माइनर होगा, ठीक है। अगर मैंने सी से सी शार्प करता हूँ, सी शार्प मेजर करता हूँ, तो उसका क्या होगा, ए शार्प माइनर हो जाएगा, ऐसा करके आ जाएगा। मतलब सी मेजर का माइनर कॉर्ड्स होगा ए माइनर, अगर मैं सी से सी शार्प करता हूँ तो ए से ए शार्प माइनर हो जाएगा, ऐसा करके करते करते आगे जाएगा। बट उसका सारे कॉर्ड्स का, सारे स्केल का फिंगरिंग अलग होता है, उसमें काली वाली जो की होता है वो आ जाता है। अब कंसर्न ये है कि जब ये फिंगरिंग हम लोगों को आता नहीं है, सबका, किसी किसी का आता है, जो कीबोर्डिस्ट है उसको संग संग बजा देगा, बट हम लोगों को इतना अच्छा आता नहीं है, तो हम क्या करें बजाने का, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ ये देखेंगे, मेरे को बजाना दो आता है, ठीक है। एक तो मैं एक चीज़ जानता हूँ, सी मेजर जानता हूँ और मैं ए माइनर जानता हूँ, उसके आगे मैं कुछ नहीं जानता, ओके। तो अगर आप सी मेजर आप करेंगे, इसको हम देखते हैं, देखिए सी मेजर, ठीक है, कोई काला की का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, ओके? तो मैं क्या करूंगा, कोई भी मेजर हो, मुझे सिर्फ सी मेजर पता है, अभी कोई भी मेजर स्केल हो उसको मैं ट्रांसपोज करके सी में लेके आऊंगा, फिर मुझे काले वाला का कोई की का टच करने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर ए माइनर होता, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ए माइनर का ये वाला अगर कॉर्ड, अगर मैं जैसे कि ये माइनर कॉर्ड कैसे होता है कि 1 4 8, ओके, ए शार्प, बी सी सी शार्प, अगर आप देखिए ए सी, अगर मैं ए को पकड़ता हूँ, ए माइनर कॉर्ड, तो ए एक, ए शार्प दो, बी तीन नंबर, सी चार नंबर, तो 1 4 8, तो ए वाला पकड़ूंगा, मतलब क्या आएगा, ए आएगा, सी आएगा एंड ई आएगा, तो ए वाला चीज आएगा मेरा माइनर कॉर्ड। तो ए दुनिया में कोई भी माइनर कॉर्ड होगा, मैं उसको ए माइनर पे लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये फंडा पहले से, ये एक वन काइंड ऑफ आप ट्रिक समझ लीजिए कोई भी। तो हमको दो पता है, सी मेजर, मैंने कोई भी मेजर स्केल होगा गाना बजाना है तो मैं उसको सी मेजर में कर लूँगा, अगर कोई भी माइनर हो तो मैं उसको ए माइनर कर लूँगा, ए आगे मैं कुछ नहीं जानता। तो ए माइनर जैसे कि हम कर दूंगा ट्रांसपोज करके, फिर वो मेरा काला वाला की हट गया। अब नीचे इसका मतलब ये नहीं है कि कोई काला वाला की का जो नोट है वो इस्तेमाल नहीं होगा उस गाने में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो सी मेजर में भी हो सकता है एक्सेप्शनल नोट, और ए माइनर में भी हो सकता है, तो उसमें हम अलग से सुनो, मेरा कान बताएगा कौन सा नोट होगा, ठीक है।
चलिए तो पहले इसको ही देखते हैं कि ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे के रख रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों को ये चीज़ आता नहीं है वो ऐसे तरफ से बना सकते हैं। जैसे मुझे आता नहीं है ज़्यादा सा, बहुत अच्छा, मैं कीबोर्डिस्ट हूँ नहीं, मैं पहले बात भी बोला है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। मैंने एक रान लिया, अभी इस VST की तरफ देखिए। मैंने इसीलिए मैं इसको डुप्लीकेट बनाया, क्योंकि मैं आपको इसको दिखा पाऊँ। इसमें अगर मैंने स्ट्रिंग पे क्लिक किया, ठीक है, मैं दूसरा बास गिटार पे भी क्लिक कर सकता हूँ। अगर बास गिटार क्लिक किया तो इसमें इतना सारे प्रीसेट्स मेरे पास आ गया, सुनिए, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग किया और स्ट्रिंग पे मैंने बीक स्ट्रिंग्स, इतना सारे प्रीसेट्स सबके पास है, ओके। तो इसमें जैसे कि पहले देखिए, इसमें इसमें लेयरिंग किया गया है। ये एक देखिए, अगर मैं इसको 1 और 2 के साथ, ये ज्वाइन है ये वाला की, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हट गया, देखिए हट गया, हट गया। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ सारे, देखिए आप सुनिए, ठीक है। उसके साथ मैं ऐड करता हूँ दूसरा, अब ऐड तो मैंने किया बट ये बजेगा नहीं। देखिए क्यों नहीं बजेगा, क्योंकि इसमें मैंने लिंक किया नहीं, ये के साथ दो लेयरिंग किया नहीं। इसको मैं क्लिक करूंगा, अब सुनिए, हो गया। अब देखिए 3 नंबर मैं ऐड करता हूँ, ये चीज जैसे कि यहाँ पे इस प्रीसेट के अंदर में है, आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। यूजर में ये वाला जो यूजर है राइट हैंड साइड में, यूजर में आप ऐसा तरह से आप खुद एलिमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट चूज करके उसका लेयरिंग करके आप बना सकते हो क्रिएटिव चीज, ओके। सिमिलरली देखिए, मैं अगर 3 को ऐड करता हूँ और अब उसको बजाता हूँ, ये 2 ही बज रहा है, ये नहीं बज रहा है, क्यों ना, उसको लिंक नहीं किया। लिंक करता हूँ, अब सुन देखिए, देखिए अगर आप सुनना चाहते हो कि मुझे ये सुनाना है, क्या देखते हैं इस क्या बज रहा है, टेक वायलिंस बज रहा है, देखिए, ठीक है। चलिए इसको ऐड करते हैं, अब मैं 4 नंबर को लूंगा, देखिए टेक सेलोस, इसको अब देखिए, अगर ये बजेगा नहीं, मैं लिंक किया नहीं, लिंक करता हूँ, अब सुनिए, इसका फील चेंज हो गया, ओके। अच्छा चलिए अभी हम इसमें जाते हैं, ये तो फिर आपको पता चल गया, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि देखिए इसके जगह में मैंने ये वाला लिया, तो सुनते ये वाला लेते हैं। अभी देखिए इसमें अगर ये लेता हूं तो मेरा लेफ्ट कर्न राइट कर्न में दोनों में आ रहा है, ठीक है। उसमें अगर मैं इसको एडिट में जाता हूँ, देखिए यहाँ पे चेंजेस हो रहा है लेफ्ट का, ये जो वेव दिखा है ना, ये देखिए साइन वेव लग, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप ऐसा कर सकते, आप इसी के हिसाब से इसको ट्वीक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं, चलिए इसमें देखिए डिले भी आप दे सकते हैं, इसमें देखिए, अभी आप इस देखिए इसमें पेन किया गया है। अगर आप इसको सुनते हैं, चलिए सुन दे, लेफ्ट कान में बज रहा है, तो आप जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेयरिंग कर रहे हैं तो इसमें देखिए पेन है, इसमें इसको आप राइट कान में लेके आइए, अब इसको स्ट्रिंग को सुनते हैं, इसको बंद कर। अच्छा अगर आप इसको हम सिलेक्ट करते हैं, देखिए राइट का नहीं, मतलब ये दोनों का
अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग से चीज़ फिल्टर कर सकते हैं, रिवर्ब दे सकते हैं। जैसे कि हम स्ट्रिंग पे देखते हैं, चलिए स्ट्रिंग पे अगर हम इसको सिलेक्ट किया तो स्ट्रिंग राइट कान में बज रहा है, सुनिए। अगर हम इसको रिवर्ब को बढ़ाते हैं, बढ़ाने की चाहते हैं इसको, अगर आपको सेंटर में करते तब आपको पता चलेगा, ठीक है। हाँ देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इसका कोरस इफेक्ट आ रहा, देखिए जैसे कि मैंने इसका अटैक्स भी मैंने चेंज कर सकता हूं कि मैं थोड़ा देर में शुरू होगा, देखिए फिल्टर भी चेंज कर सकते हैं। ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक इंस्ट्रूमेंट सिंपल एक लेयरिंग का ऊपर आप कितना इफेक्ट इसमें कर सकते हो, उसको क्या टोन, क्रिएटिव टोन, मतलब ये पैच जो यूज कर रहे हैं हम, वो यूजर सेटिंग्स के अंदर, यूजर के अंदर में जाके ऐसा मैं डिफॉल्ट मेरा नाम पे मैं बना सकता हूं, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान पे रखना है कौन सा एलिमेंट्स आपको यूज करना है, उसको पेन करना की जरूरत है कि नहीं। जैसे ये राइट हैंड पेन था, ये लेफ्ट हैंड पेन था, तभी जाके अच्छा लगेगा। ठीक है, ये चीज आप यहां से एडिट से चेक कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हो आप, ठीक है। और एक चीज देखते हैं, ये ट्रांसपोज भी आप कर सकते हैं। और बहुत अगर देखिए, अगर ये वॉइस आप आठ वॉइस है, आप जाते हो और भी ज्यादा वॉइस हो, अब चलिए 24 करते हैं। अगर ये दो करते हैं, कितना चेंज हो जा रहा है, आप देखिए 12 करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो ट्रांसपोज है यहाँ पे भी, अच्छा ब्लेंड इसको भी चेंज करके देखते, देखिए ठीक है। ये सब पैरामीटर्स है जिसमें आप चेंज करके देख सकते हो कि ऑसिलेशंस भी इसका चेंज कर सकते हैं, इस टोन के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो, इसका पैटर्न भी चेंज कर सकते हो आप, रेट भी सकते हो, 1/16 है, ऑक्टेव भी चेंज कर सकते हो, 3 नंबर ऑक्टेव पे करते हैं। सिमिलरली आप ट्रांसपोज भी यहां से कर सकते हो, देखिए 2 कर दो, ठीक है। यहां से मतलब जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ यही है, ओके। तो ऐसा टाइप का ये चीज चेक कर सकते हो। अभी चलिए फिर से प्रीसेट में जाते हैं, ओके। ये मैं फ्लेंज सेटिंग्स का बात कर रहा हूं, ये तो अभी बहुत सारे सेटिंग्स हैं। अब चलिए इसको हम बीक स्ट्रिंग करते हैं, जो से पहले ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें देखिए इतना सारे चीज है, अब कोई भी हम इसी से एक चीज बजाने की कोशिश करेंगे, चलिए सुनते हुए करते हैं। और मैं क्या करूंगा, देखिए मैं मोटिफ पे जाऊंगा, ठीक है ना, यहाँ पे मोटिफ एक सेकेंड,
यहाँ पे देखिए, अभी मैं चलिए ऑर्केस्ट्रा किट मिल जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं एक बार। दो दिन तो क्या ना गुजरेंगे, दो पल तेरे बगैर हो जाऊंगा प्यार। अभी मैं ये चीज ढूंढ रहा हूं कहां पे वो वाले इंस्ट्रूमेंट मुझे प्लेस करने। ओके यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे करते हैं। अभी हम क्या किया, मैंने किया ये वाला ऑर्केस्ट्रा कीट। ओके, इस ऑर्केस्ट्रा कीट में अगर हम इसे ये करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे मेरा चाइम्स है। इसमें ठीक है, ये वाले इंस्ट्रूमेंट को मुझे यूज करना है। चलिए हम करते हैं, सुनते हुए करते हैं, इसको रिकॉर्ड भी करेंगे। ठीक है, मैं कीबोर्ड से बजा रहा हूँ, अभी कीबोर्ड मेरा कनेक्ट है यूएसबी में। चलिए सुनते हुए करते हैं, कौन से जगह में करेंगे हम देखेंगे। ओके, इसको बंद कर देते हैं, इसको सुन। ठीक है, ये मैंने एक इंस्ट्रूमेंट ऐड किया चाइम्स, और दोनों के साथ कनेक्ट कर दिए इसके साथ इसके अंदर में। अभी हम देखते हैं इससे सही जगह में पड़ा है कि नहीं। चलिए ठीक जगह में पड़ा है, अगर नहीं पड़ा होता तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, 1/4 कर देंगे, क्यू कर देंगे, हो गया। मुझे इतना दूर तक ही चाहिए। ओके, अभी इसका देखिए, इसका मैं वेलोसिटी बढ़ा लिया, यहाँ पे वेलोसिटी को सिलेक्ट किया और इसमें वेलोसिटी को मैं बढ़ा लिया। ओके ठीक है, ये चीज मैंने किया। अभी इसको हम सिलेक्ट करते इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। ओके, कर लिया, सोलो कर लिया इसको, सोलो कर लिया। अभी इसको चाइम्स यहाँ पे है क्या, नहीं दिया। चलिए कोई आपको मैं एक्सपेरिमेंट के लिए दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ चाइम्स। ओके, वेव मनु
करता हूँ और क्रिएट ऑडियो ट्रैक कर दिया। ओके चलिए, नीचे आ गया, पर लेके आ जाते हैं इसको। ठीक है, इसको डिलीट कर देते। अभी हम इसमें सुनेंगे, देखिए। चलिए इसको हम सुनते हैं। अभी इसको डुप्लीकेट जो मैंने बनाया था दिखाने के लिए, इसको बंद करता हूँ फॉर द टाइमिंग। ठीक है, एकदम परफेक्ट जगह में आ गया। अगर आपको ये करना है कि नहीं, इसको थोड़ा आगे पीछे करना है, तब भी कर सकते हैं आप। ये देखिए, इसको थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ठीक जगह में एकदम परफेक्ट आया, 11 नंबर में। और आप चाहते तो इसको यहाँ से भी शुरू करा सकते हैं, देखते जो बेटर रहेगा वही करेंगे। एकदम परफेक्ट आ रहे, इसको बेंड कर देंगे। ओके, फेड आउट कर दिया। चलिए, अच्छा तो फिर मैं ये सिर्फ आपको दिखा रहा था। ओके, तो ऐसा तरह से हम लोग कर सकते हैं इस प्लगइन के थ्रू। चलिए अभी ये जैसे कि ये किया, इसमें आप ड्राम लूप्स भी ले सकते हो। ठीक है, बहुत टाइप का आपको पास लूप्स आएगा। जैसे कि इसको सोलो करके आपको मैं सुनाता हूँ। जैसे कि कोई भी किट लीजिए, ये वाला देखते हैं। देखिए ये जो है ना, ये सिंक है ऑलरेडी। यही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये सिंक है आपका बीपीएम पे। अगर मैं 132 मेरा बीपीएम है पे, तो ये 132 में ही बज रहा है ये चीज। ओके, इसको सुनते हैं। अच्छा, ये चीज मैं दिखा रहा था। दूसरा चीज जैसे कि, तो आप कोई भी, मैं कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर रहा हूं, जैसे कि यहां से भी कर सकते। अभी इतना सारे हैं, आप कोई भी ले सकते जो आपको अच्छा लगे। बहुत सारे गाने का आपको मिल जाएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये वीडियो तो लंबा हो जाएगा। एनीवे, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। एनीवे, तो आप ये भी देख सकते हैं कि कोई भी घोस्ट कैम, देखिए कितना ब्यूटीफुल टोन्स है। आपको सिर्फ ये चीज आपको ये करना पड़ेगा, कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली आप यूजर प्रीसेट्स में जाके आप एलिमेंट्स चूज भी कर सकते हो। यहाँ पे आप कौन सा ले, ड्राम ले सकते हो,
कि उसके साथ बेस गिटार ले सकते हो, बेल पर्कशन ले सकते हो, कोई भी आप लेके वो वाला प्रीसेट्स को आप यूज कर सकते हो आपका हिसाब से। ओके अच्छा, और एक चीज आपको दिखाना था, ये चीज हो गया, और चीज अच्छा वुड, ये तो है फ्लूट, फ्लूट वगैरह सब सारे तो एक ही चीज है, आप जब भी चीज बजाना चाहते हो जैसे कि वुड स्ट्रिंग। तो ऐसा टाइप का बहुत चीज़ आप बजा बजा सकते हो इसमें, खास करके देखिए मैं वही चीज़ आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वी एस टी से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ड्राम दिखाना की चाह रहा था ना मैं आपको, अच्छा हाँ यही चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए अगर मैं कोई भी एक पिकअप लेने बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर पिकअप लेने की कोशिश करता हूँ, तो ड्राम पे आप जा सकते हैं, पूरा कीबोर्ड आपके पास है, टिक टिक टिक, मतलब आपको सिर्फ पैटर्न सोचना है और आपको बजाना है। मोटा मोटा मैं आइडिया दिया का जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे मैंने चाइम्स को मैंने इंस्टॉल ये किया, रिकॉर्ड किया, तो ऐसा टाइप का आप कर सकते हो। ठीक है, तो यही था आप आज का ट्यूटोरियल, कैसे लगा बता सकते हो, अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव है, कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट कोई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड गुड बाय।